नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लीजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन नाम ही काफी है, जहां से खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। इस उम्र में भी और इतने वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री पर एक छत्र राज करने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन का जादू आज भी कायम है। वो इस बात से देखा जा सकता है कि भले ही आजकल उनकी फिल्में ज्यादा नहीं आती हो, आती है तो भी एक सेंट्रल करेक्टर में वो आते हैं, एक्शन वगैरह ज्यादा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई है। आज भी अगर उनको कोई अच्छी भूमिका दी जाए, अच्छे एक्शन रोल में पेश किया जाए, तो आज भी उनके मुकाबले का कोई एक्शन हीरो में आज भी नहीं मानता, क्योंकि जिस तरह के एक्शन वो किया करते थे, एंग्री यंग मैन की उनकी छवि थी वो वाकई लाजवाब थी। हालांकि कुछ सामाजिक मुद्दों या पोलिटिकल मुद्दों पर लोगों से उनकी नाराजगी रही है, और जिस कारण से उनकी कुछ फिल्में पिछली नहीं चली है, जैसे गुड बाय है, लेकिन ऊंचाई अच्छी चली थी उनकी। लेकिन फिर भी अभी उनसे बहुत उम्मीद है, सेक्शन 84 आने वाली है उनकी फिल्म। इसके अलावा कल की फिल्म में बहुत बड़ा रोल है उनका, प्रभास के साथ है, बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। गणपत आ रही है, गणपत में भी उनका एक जबरदस्त रोल है, टाइगर श्रॉफ के साथ है। तो कई फिल्में आ रही है, लाइनअप है उनकी, बड़ी बड़ी फिल्में। तो अभी भी बहुत ही दम कम मिट्टी में है, अगर उनको अच्छा रोल दिया जाए तो एक कमाल कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और अभी उनकी लोकप्रियता किस प्रकार की है, 41 वर्ष हो गए उनको। अभी उन्होंने एक पोस्ट किया है ट्विटर पर शेयर, जिसमें बताया गया है किस प्रकार उनके निवास स्थान के बाहर, प्रतीक्षा के बाहर कितना बड़ा मतलब एक जलसा लगता है, कितनी भीड़ आती है प्रशंसकों की आज भी उनकी एक झलक पाने के लिए। और उनकी कुछ तस्वीरें अमिताभ बच्चन ने शेयर की है, किस प्रकार से प्रशंसक इंतजार कर रहे हैं, फिर वो बंगले से बाहर आते हैं, अपने प्रशंसकों की तरफ हाथ हिलाते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि इतने वर्षों के बाद में भी आपकी लोकप्रियता आज भी अपने प्रशंसकों में कायम है, और प्रशंसक चाहते हैं उनको अभी भी उसी तरह से एंग्री यंग मैन के अवतार में देखने के लिए कि वापस वो एक ऐसी फिल्म में गए, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, सुहाग, अग्निपथ जैसे रोल में फिर से एक बार वो नजर आए, जबरदस्त खतरनाक रोल में नजर आए, मतलब तो जरूर मजा आ सकता है प्रशंसकों को। लेकिन उनकी लोकप्रियता अगर आप आज भी बरकरार है, हालांकि कुछ बातें ऐसी हुई है जिनके कारण कुछ उनकी फिल्म में नहीं चली है, कुछ ऐसी फिल्में आई है जो अमिताभ बच्चन से उम्मीद नहीं करते उनके प्रशंसक, अमिताभ बच्चन को आज भी वो उसी एक्शन अवतार में देखना चाहते हैं। देखते ये इच्छा कौन सी फिल्म से पूरी होती है, क्या गणपत में उनका ये रोल देखने को मिलेगा, आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।